Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only. And channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Hello guys, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है वन पर के। Hello everyone, this is your favorite Murtad. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। जैसी साहब आ गए, वो कह रहे हैं एडम भाई साहिल को बुलाना नहीं दिया, बोलने नहीं दिया गया। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम ये स्ट्रीम रखे हैं और इसीलिए हम बात करेंगे। तो अभी इसके पोल खोल रहे हैं, आज हम खोलेंगे। लेकिन साहिल साहब, स्ट्रीम के एंड में जो बात हुई थी ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं ये जरा सब लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल दिखाइए। जरा पहले सुन लेते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा पहले फरहान भाई, अभी रुकिए, रिजवान भाई बोलिए। सेकंड के लिए बोलने नहीं दे रहे हैं आप, बैठा कर हमको खाली बैठाएं। सुशांत भाई, मुझे सुशांत भाई, अरे हम मुगलों की बात पर जाकर क्यों फंस रहे हैं? रिजवान साहब के रिश्तेदार मुगल रहे होंगे, इसलिए वो मुगलों की बात नहीं करना चाहते हैं। रिजवान भाई नहीं गए थे औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने। रुकिए अभी फरहान भाई, चुप हो जाइए अभी थोड़ा। आप क्या बोलेंगे? आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इसलिए मैं नहीं बोलने दे रहा हूँ। ये तीन लोग जो बात कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं वो अलग टेंजेंट पे, आपके पास किसी चीज का जवाब नहीं। रिजवान भाई बोलिए, फरहान की आवाज करिए, रिजवान बोलिए, फिर ऐसे डिबेट खत्म हो जाएगी बीच में। रिजवान भाई बोलिए। साहब मैं फिर कह रहा हूं, अभी मुगलों की बात क्या करना। अभी 20 साल पहले उसी तालिबान ने, जिसका सब सम्मान करते हैं, जिसके लिए ओएसी कह रहे थे हमें उनसे बात करनी चाहिए, अरे उन्होंने बहाइमिया में बुद्धा की मूर्तियां तोड़ी थी या नहीं तोड़ी थी? क्या इसको भी झुटला दोगे? क्या वो मुसलमान थे या नहीं थे? बताओ, वो थे या नहीं थे मुसलमान? थे, आपके ही वंशज मुगल रहे होंगे, इसीलिए आज आप मुगलों को डिफेंड करते हैं हर तरीके से। साहिल भाई, ये जवाब सुना है आपने? आई लव दैट पार्ट, आपके ही वंशज होंगे। हाँ, आप मुगलों को डिफेंड करें, आपके वंशज होंगे। लाइक अब बेसिकली, अब अगर मैं इस्लाम के खिलाफ बोल रहा हूँ तो मैं मुसलमान रहा ना, तो फिर मुझे बोलने की इजाजत है ना? जब आप बोल रहे थे तो आपको फिर रोका क्यों गया, जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे? सेम लॉजिक, हम लॉजिक को एक्सचेंज नहीं कर रहे। और हमारे जो ये भाई है जो कि इस वक्त डिबेट को मॉडरेट कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था इनको। उनका जवाब ले लेते हैं, फिर आप अपना पॉइंट रखिएगा। सर बताते हैं उनके बारे में, इतनी अच्छी नॉलेज मुगलों के बारे में सिर्फ परिवार के सदस्य को ही हो सकती है, और आप परिवार के ही सदस्य रहे होंगे। फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था, फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था, फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था, फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था। रिजवान की तमाम नस्लें मुगल, फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था, मुगल रही होंगी 100%। ये तुम्हारा फूल चढ़ाने, इसलिए फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था ना, फूल चढ़ाने तुम्हारा। एक मिनट रिजवान भाई, एक सेकंड रुकिए, एक मिनट रिजवान भाई एक सेकंड रुकिए। मोहम्मद फरहान, फरहान साहब एक मिनट, रिजवान भाई एक सेकंड रुकिए। फरहान साहब, आप ये कह रहे हैं कि रिजवान भाई जो है इनके वंशज, ये मुगलों के वंशज हैं, इसलिए इनको मुगलों के बारे में इतना पता है। एक मिनट रुकिए फरहान भाई, मेरा सवाल सुन लीजिए। मुगलों के वंशज, अरे भाई ये मुगलों के वंशज हैं आप कह रहे हैं, इसलिए इनको मुगलों के बारे में पता है। अभी 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 आप बता रहे थे हिंदू, ये सुन यही लोग। फरहान साहब मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं ऑडियो कम करा के बोलूंगा, मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि इनको मुगलों के बारे में इसलिए इतना पता है क्योंकि hey, listen, very simple, I don't like... very simple यार, come on man, seriously, इस्लामिक ऐड नहीं रुकते। मुगलों के वंशज हैं, अभी आप बता रहे थे कि 12 के 12 ज्योतिर्लिंग में ऐसा कोई शिवलिंग नहीं है, आपको इतना पता है। आप मानते हैं आपके पूर्वज हिंदू थे, हिंदू धर्म के बारे में इतना पता है कि आपको सुशांत जी पता नहीं होगा अगर। हाँ तो लो जी साहिल साहब, अब बालो यार, ये बोले यार, ये लॉजिक देखो अब जरा इनकी। इस हिसाब से तो डॉक्टर जाकिर नायक जो क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, सब है। मुफ्ती फजल हमदर्द भी हिंदू हो गए, वो भी वे भी पढ़ाते है लोगों को। इनके जितने लॉजिक होते हैं ना, इनको इनको है ना अंदाजा भी नहीं होता है कि ये घूम फिर के इनकी पिछवाड़ी में जाते हैं वो लॉजिक पूरे।
आई मीन टू बी ऑनेस्ट, जितने भी लॉजिक है इनके, जब सेम लॉजिक इन पे अप्लाई किया जाए ना तो ये तिलमिला जाते हैं एकदम। और पिलपिला गया ना, ये देखो ये सेम लॉजिक दिया ना, अब देखना जरा क्या होता है। पिलपिलाहट देखिए अब आपकी इनकी। इसका मतलब आप हिंदू थे, आपके लॉजिक से अगर वो मुगलों के वंशज हैं तो आप हिंदुओं के वंशज हैं, मान लीजिए। फिर आपसे तीन नॉलेज की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको आपके तर्क से कह रहा हूँ कि अगर कोई मुगल के बारे में जानता है तो मुगल का वंशज है, तो आप शिवलिंग के बारे में जानते हैं इतना, तो आप पिछले जन्म आपके पूर्वज हिंदू थे मान लीजिए। आपको बता रहे हैं ना कि मुझे, मैंने अध्ययन कर रखा है ना हिंदू भाइयों। हाँ, तो उन्होंने भी अध्ययन किया ना सर। मैं बोलूं तो मैंने अध्ययन किया है, ये बोले तो मुगलों का। यार साहिल ये क्या गेम है यार, ये लॉजिक समझा दे यार मुझे। तो वही हमने अभी उसी लॉजिक से तो अभी ये डॉक्टर जाकिर नायक MBBS को भी हमने सब धर्म का बता दिया, हर किसी को हर चीज बना दिया ना। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब भी बन गए, मुफ्ती आसिफ साहब भी बन गए, वो भी वेदों वेदों का हवाला देते हैं। यार कमाल है यार, कमाल। लेकिन वो जो मॉडरेटर थे उन्होंने मस्त पॉइंट ये रखा उनके सामने। एब्सोल्युटली वेरी ऑसम मॉडरेटर। What's his name, by the way, the moderator? Sushant Sinha, लिखा हुआ है। Sushant, वो हिंदी है ना? आपको पता है मेरे को हिंदी तो पढ़ना नहीं आता। लेकिन सर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ इस मॉडरेटर के इस जवाब के ऊपर, बिकॉज सर कमाल सिक्सर मारा है उस बंदे ने इस वक्त, इवन दो ही इज अ मॉडरेटर, बट लाइक दिस इज सच अ स्टुपिडिटी, इतनी कमाल लेवल की स्टुपिडिटी है साहिल साहब, कि मुझे समझ नहीं आया कि बोलने वाले ने सोचा नहीं है कि वो क्या बोल रहा। वो घर पे जाके पछताया होगा, फिर से जब डिबेट देखा होगा वो सोचा होगा कि यार मैंने क्या क्या कर दिया मैंने। Exactly. So basically knowledge जो होता है ना वो किसी के बाप की जागीर नहीं होता, हर कोई शख्स नॉलेज अटेन कर सकता है। नॉलेज अटेन करने के लिए आपको स्टडी करना होता है, और स्टडी कोई भी कर सकता है। इट डज नॉट मैटर कि वो एक हिंदू है, एक सिख है, एक ईसाई है, एक यहूदी है, एक नास्तिक है, एक व्हाटएवर है। नॉलेज अटेन करना किसी बाप की जागीर नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के बारे में हो या किसी भी मजहब के बारे में हो, किसी भी कल्ट के बारे में हो। हर कोई जी, इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था कि मतलब भाई तुम डिपेंड करने के लिए बैठे हो, चलो ये मोहम्मद फरहान साहब तो मौलाना नहीं है, वो तो एक समझो पॉलिटिकल फिगर है। दूसरे जो शख्स थे वो तो मौलाना है यार, कादरी साहब है, वो लंबी सी टोपी है, लंबी सी दाढ़ी है, और आप एज एन इस्लामिक स्कॉलर आप बैठते हो, तो अगर कोई आप पे एतराज कर रहा है वो भी रेफरेंस दे के बोल रहा है। इस बार तो मैंने पहले रेफरेंस दिया उसके बाद बोला, तो रेफरेंस दे के बोल रहा है तो आपको उस एतराज का जवाब देना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि तुम बात ही मत करो, तुमको इजाजत ही नहीं है, तुम मुर्तद हो। यही रवैया जो है वो वहां के जो तीन लोग थे उन्होंने भी सेम रवैया अपनाया। बेशक बेशक। तो तुम क्या मैसेज दे रहे हो लोगों को कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, और वाकई में जवाब नहीं है, तभी तो तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। एंड दैट इज वाई हम लोग आज बैठे हैं और हम उस डिबेट को फाइनलाइज करेंगे। और फाइनलाइज करने से पहले कुछ सुपर चैट्स आए थे, मैं जरा वो लेता चलता हूँ। वरुण साहब ने सुपर चैट दिया है, लव यू माई फेवरेट एडम लाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारे पास हो सके तो गालिब भाई को भी ले लो, थोड़ा कॉमेडी और आ जाएगी। जी जी, उनको भी लेते हैं सर। रघुव साहब ने लिया है, सर ये नाम आप ही पढ़ लें सर, हिंदी नाम है मेरे तो फिर कुछ गालियां ही आएंगी मेरे को, इतने गंदे गंदे। तुम मोमिन को हिंदू बना देते हो, हिंदू को क्रिश्चियन बना देते हो, और क्रिश्चियन को कुछ और बना देते हो जब नाम लेते हो तो। सर इसीलिए तो मसला है, इसलिए तो आपको कह दिया आप पढ़ ले सर। राघव झा है, राघव झा, राघव, ठीक है जी, राघव झा जी। सी यही मैंने कहा ना, मसला हो जाना था यहाँ पे, मैंने राघव को रघु पढ़ लिया था। फिर सर आप ही पढ़े सर, नाम भी आप ही पढ़े सर, आप ही क्या है? मोहम्मद गायरोमेनिक था क्या? गायरोमेनिक का मतलब मुझे नहीं पता सर, छोड़ दे सर, इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल। लेकिन थैंक यू फॉर योर सुपर चैट। हमारे पास अगले भाई है जी, तिश्वारी से,
अरे फिर गलत पढ़ गया मैं, पढ़ना ही नहीं ना मैंने, नाम पढ़ना ही नहीं। तेजस्वी सिंह, यू ऑल ब्रदर्स आर डूइंग ग्रेट वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, माय रिस्पेक्ट फॉर यू ऑल, दिस इज अ मूवमेंट टू शिफ्ट ह्यूमैनिटी फ्रॉम रिलीजियंस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, थैंक यू सो वेरी मच सर। अरे मुफ्ती फजल हमदर्द सुन्नी तनातन की तरफ से $5 का सुपर चैट आया है। आजकल तो मुफ्ती फजल हमदर्द मुफ्ती बम दर्द हुए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या कर दिया। ये साहिल तो एटम बम था, मैंने इसको ओपन कर दिया, ये तो एटम बम बन गया, पहले छोटा बम था अब एटम बम बन गया, तो वो बम दर्द में है। एरम लाला बहुत अच्छा मिलेगा उनको जहन्नम में। ओहो हो हो हो, माशाल्लाह जन्नत में पहुंच गए, वहां भी इस बात का अजाब तो मिलेगा कि तूने साहिल के साथ क्या कर दिया था। भले से तू जन्नत में, लेकिन अजाब जरूर मिलेगा। हाँ, अजाब तो सर कमाल लेवल का उनको मिलने के, ये बम था इसको एटम बम तूने बना दिया। ले जी एरम लाला जी, बहुत बड़ी गलती हो गई साहिल को एक्सपोज करके, इसने तो हमें हमारा बम बंद बजा दिया है, और आप तो पुंगी मास्टर हो लगे रहो। बेहतरीन बेहतरीन जवाब दिया सर ने। सिद्धार्था जी आए हैं, ब्रेव ब्राउजर यूज करो, एड नहीं आएगा। ओके सर, आई विल गो फॉर द ब्रेव ब्राउजर नेक्स्ट टाइम। नाइस काफिर साहब हैं, उन्होंने 200 रुपीज का सुपर चार्ट दिया हुआ, कहते हैं ग्रेट वर्क। SSG हैं हमारे साथ, कैनेडियन $5 सुपर चार्ट के साथ। ही इज सेइंग तेरा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। माशाल्लाह सर, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सुनील कातिया जी ने 200 रुपीज का स्टिकर दिया है हमें। वीर राजपूत जी कहते हैं लला जी आपकी नजदीक आप कौन मौलवी डिबेट कर सकता है? सर जोन सा मौलवी आना चाहे हम तो हाजिर हैं हर वक्त, हम तो बैठे हैं इन मौलवियों के साथ डिबेट करने को हर दम तैयार, तो हमें तो सर कोई मसला नहीं। जोन सा आना चाहे आ सकता है, आज आ जाए कल आ जाए, हमें आवाज दे जनाब इस दिन आपके पास आ रहे हैं आपके साथ गपशप लगाने के लिए, हम जनाब हाजिर है खिदमत, हमें तो और क्या चाहिए। क्यों साहिल साहब, हम तो कहते हैं हमारी बात को रिजेक्ट करे कोई, कोई कौन है जो रिजेक्ट करे। बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ही है, और बल्कि मैं तो ये चाह रहा हूँ एडम जी जी के मेरे चैनल पे मोस्टली जो है, और बल्कि हम यहाँ भी वैसी करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मौलवी हजरत आके अपनी बात रखे। अरे मौलवी हजरत बिल्कुल आए सर, मैं तो कहता हूँ मौलवियों के साथ बात करके वैसे ही मजा आता है, क्योंकि उन्होंने चीजें पढ़ी होती हैं, रेफरेंस कम दिखाने पड़ते हैं। बिल्कुल नहीं जी, हमारे साथ एक और सुपर चैट आया है। इसी में एक चीज में ये, चूंकि मेरे ख्याल से 1700 लोग देख रहे हैं और भी नंबर्स बढ़ेंगे माशाल्लाह, तो वो जो पता है लास्ट डिबेट में जब हम बैठे थे तो फ्रैंकफर्ट साहब जो है वो आके बोले थे कि कैसर रजा साहब जो है वो आप लोगों से डिबेट करने के लिए रेडी है सेक्स स्लेवरी पे, याद है ना? फिर हमने तो उनको मौका भी दिया था, वो तो आ ही नहीं रहे कैसर रजा साहब के, आ रहे हैं। तो वो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने, तो मैंने उनको टॉपिक दिया। अब वो टॉपिक पे आने के लिए रेडी नहीं है, वो कहते हैं कि इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है ही नहीं। मैं बोला ये हम लाइव डिबेट में या जो भी डिस्कशन आप बोलो उसमें हम साबित करेंगे, आप इनकार करो या आप ये साबित करो कि हमारा जो एक क्लेम है वो गलत है। अब वो मेरे से कह रहे हैं कि आप डिबेट में, शायद वो सुन भी रहे होंगे या उनका टीम मेंबर कोई सुन रहा होगा, तो मेरी बात पहुंचा देना, क्योंकि ये अब मेरे पास पूरा कॉन्वर्जेशन पड़ा है। लास्ट में मैंने कहा कि भाई मैंने अपनी पूरी बात रख दी है, अब आगे आप फॉर्मेट तय करें और उसके बाद डेट और टाइम शेड्यूल करते हैं और सीधा मैदान में उतरते हैं। तो मैंने उनसे कहा हाँ, अब उनका मुतालबा ये है कि आप जो जो कुरान की आयतें और अहादीस वहां पेश करोगे वो आप मुझे पहले ही शेयर कर दो। ये बात हो गई यार, यदि कह रहे हैं कि पर्चा पहले लीक करो फिर बात करूंगा। अरे आप सेक्स लेवरी पे बात करने के लिए रेडी है, आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए, हम कहीं बाहर से नहीं दिखाएंगे, आपके कुतुब में से दिखाएंगे। पर्चा लीक कर दो फिर बात करेंगे। यार साहिल ये क्या बात है यार, ये क्या लॉजिक है यार, ये कैसा लॉजिक है यार। यार आपको, आपने एंटी अपोस्टेसी स्क्वाड बना के आपने पूरी स्लेवरी पे डिस्कशन किया कुछ 6-7 घंटे, अभी आपको और क्या चाहिए? आपके पास तो पूरा मतलब मटेरियल तो रेडी होगा, तभी ना आपने ये पूरा स्क्वाड चलाया स्लेवरी पे।
सर यही तो बात है, हम बात करते हैं। मैंने ये भी कहा, सॉरी, उसमें मैंने ये भी कहा एडम के भाई देखो डिस्कशन इसमें होगा कि स्लेव्स के साथ सेक्स इस्लाम में अलाउड है और उसको बेचा भी जा सकता है। आप इसका इनकार करो, मैं दलील पेश कर दूंगा। तो भाई और क्या चाहिए आपको? आप तो जो जिन लोगों के साथ आप बैठे हो, जिन मुफ्तियों के साथ बैठे हो, वो खुलम खुला बोल के गए हैं कि स्लेव्स के साथ सेक्स अलाउड है, बेचना अलाउड है, उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा कोई नहीं, सब तो आपने बोला है। तो आओ उसको अच्छा साबित करो ना, यही तो हम कह रहे हैं कि आओ अच्छा साबित करो, हम उसको गलत साबित करेंगे। सर दिस इज हाउ इट वर्क्स ना, दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। डिबेट में पर्चा पहले से लीक तो नहीं ना किया जाता, पर्चा पहले से लीक किया तो डिबेट किस बात की? दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। मगर अगर पर्चा भी लीक करना है, अब पता मसला क्या होता है पर्चा लीक करने में, मैं उन्हें चार आयतें दे देता हूँ और दो चार हदीसें दे देता हूँ, फिर जब मैं उसके अलावा कोई बात करूंगा तो भाई साहब पता क्या बोलेंगे, ये तो आपने पहले से बताया नहीं था। भाई हेलो, क्या मतलब बताया नहीं था? कुरान और हदीस है ना, तुम जहाँ जाओगे वहीं पे हम भी जाएंगे, और तो कहीं नहीं जाएंगे ना। मगर दिस इज हाउ इट वर्क्स। हमारे साथ गालिब साहब जुड़ चुके हैं सर, आपकी फरमाइश के ऊपर गालिब साहब हाजिर है। ये कौन सा तरीका यार गालिब भाई का आदाब करने का? क्या हुआ सर जी? अरे कुर्सी दाएं बाएं कर रहा था यार। मैं बोला आसपास में कोई जिन तो नहीं आ गया? गालिब भाई के बदले कोई जिन ज्वाइन कर लिया? अरे नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपने उनको शुक्रिया बोला या नहीं मुफ्ती फजल हमदर्द को? बोलता हूँ, अलग से बोलता हूँ उनको। अरे ये बताओ, मेन काम भूल गए तो यहीं से बोल देते हैं ना यार, 1700-1800 लोग लाइव भी देख रहे हैं, 1800 लोग लाइव देख रहे हैं, यहीं से शुक्रिया बोल देता हूँ। अरे तो यहाँ मुफ्ती फजल हमदर्द थोड़ी है। अरे बैठे होते हैं ये वो शायरी है ना गालिब भाई, मुझे गा मिलना जाके सनम तेरी हर एक अदा से, क्या है उसका आगे का, तेरी हर एक अदा से वाकिफ हूं मैं, ऐसी कुछ शायरी है ना सर? मैं हमें शायरी काफी काफिल ना जानिए सनम, तेरी हर एक अदा से वाकिफ हूं मैं। तो ये जनाब जो है ना, इनकी हर अदा से हम वाकिफ है, ये पूरा सुनते हैं एकदम कि कुछ मिल जाए इसमें से तो निकाले। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। अच्छा ये केसर केसर रजा साहब, ये एंटी अपोस्टेसी स्क्वाड बना रखे हैं, मतलब इनका बस एक ही काम है क्या कि बंदों को तैयार करो फिटने सर भेज दो। सर कोई आए ना सर, हम तो यही कहते हैं आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, डरे नहीं। अरे आ जाते उनकी बातों में लोग आके फिर इधर आ जाते हैं। फिर वही होता है जो हर बार होता है। चले सर आगे चलते हैं, अपनी स्ट्रीम को आगे बढ़ाते हैं। शिव जी ने कहा है आगे से नर्स और डॉक्टर का प्रोविजन रखो डिबेट में। सर बिल्कुल रखना पड़ेगा शिव जी, बीपी लोगों के काफी हाई हो जाते हैं जैसा कि हमें पता है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा रखना पड़ेगा सर। तो ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हमारे साथ जोशी जी बैठे हैं, वो कहते हैं क्विक क्वेश्चन, क्या मस्जिद सेक्रेट प्लेस होती है? बिल्कुल होती है जी, अकॉर्डिंग टू मुसलमान यस। इफ सो क्या ये फिर आइडल्ट्री नहीं हो जाती? सर कैसे आइडल्ट्री होती? सेक्रेट प्लेस इज, मुझे समझ नहीं आ रही कि हाउ यू कैन कंपेयर सेक्रेट प्लेस विद आइडल्ट्री। सेक्रेट प्लेस इज अ सेक्रेट प्लेस। क्यों साहिल साहब, आप कुछ इस पे कहना चाहेंगे? सही बात है, आइडोलेट्री नहीं होती क्योंकि मस्जिद में आइडल्स नहीं होते ना। आइडल्स नहीं होते, आइडल्स से कहां पूजा होते, तो आइडोलेट्री का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल, आई डोंट नो इन्होंने किस में कॉन्टेक्स्ट में बोला है। वो चार तंबू लगा के और धागे से बांध के उसी को मस्जिद बना देंगे, फिर किसको आर्डर बोलोगे? बिल्कुल सर, आगे चलते हैं थोड़ा सा, बाकी कुछ सुपर चैट में थोड़ी देर बाद लेता हूं ताकि हम स्ट्रीम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सुपर चैट्स दिए हैं, अगर उनमें सवाल हुए तो मैं उनके सवालों के जवाब भी दूंगा, डोंट वरी। लेकिन हम थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, अब हम आते हैं अपने असल मुद्दे के ऊपर। क्या इस्लाम में वर्शिप प्लेसेस दूसरे धर्मों की, दूसरे दीनों की तोड़ने का हुक्म है या नहीं? इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आपने बात रखी थी साहिल साहब,
लेकिन उस बात को इन्होंने आने नहीं दिया था। आपसे पहले रिजवान भाई ने भी बड़ी अच्छी तरीके से बात रखी थी, लेकिन रिवर्स मारते रहे हैं ये लोग, छक्के चलाते रहे हैं और इनका एक भी छक्का बॉर्डर तक भी नहीं पहुंच सका, लेट अलोन के स्टेडियम से बाहर जाए। और आपकी छोटी सी बात जिसमें अभी आपने हदीस बोली भी नहीं थी, वो स्टेडियम से बाहर चला गया और इन लोगों के काबू में नहीं आ सका। ये जनाब देखते हैं पहले रिजवान भाई क्या कह रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात उन्होंने कही, हकीकत है, कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम में बुत परस्ती कतई नहीं की जाती, जो बुत परस्ती करता है वो मुशरिक है, ये हमारा ईमान है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से 313 बुतों को निकाल कर फेंका और ये सारी उम्मत को दर्ज दिया कि खुदाए वाहिद की इबादत करो, खुदा की जात में किसी को शरीक मत करो, ये ही ईमान से हम मुसलमान बनते हैं। लेकिन किसी की इबादत गाह में जाकर वहां से बूते निकाल के फेंकने का हुक्म इस्लाम नहीं देता, ना ही किसी बूतों को बुरा भला बोलने का इस्लाम हुक्म देता है। पुराने सर जी, ये तो दोनों बातें जिन्होंने रखी हैं वो इस्लामिक शरा फिका के हिसाब से तो गलत हो जाती हैं। किसने इनको, किसी ने बताया नहीं था कि किसने कहा था, किसी ने कहा था, मैं अब नाम भी नहीं लूंगा, बड़ी मुअज्जज हस्ती हैं, फिर ब्लास्फेमी का केस पड़ जाता है हमारे ऊपर, किसी ने कहा था कि अल्लाह की चू को जाके चूसो, ये किसने कहा था, क्या इनको भूल गया? और ये कहा भी गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, वो बहुत बड़ी बात है। मैं बता रहा हूँ, ये कहा था नाना जी ने, नाना जी ने नहीं सर, चले ठीक है, नाना जी ने, किसके अगर आयशा अम्मी होती हैं तो अबू बकर क्या लगेंगे? सर गालिब भाई गया। लेकिन सर यही मसला हो जाता है कि जब ये लोग पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तो फिर ये बोलते क्यों हैं? मेरा सिंपल सा सवाल इनसे ये है, लोगों को क्यों जाके दिखा रहे होते हैं कि जी हमें ज्यादा पता है, आपको नहीं पता? अगर इन्हें पता है तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? मेरा सिंपल सा सवाल है ये, ठीक है? ठीक है, ये अगर हम इसको देखना चाहें तो ये भी बुखारी की हदीस है, जिसको कि ये लोग ट्रांसलेट ही नहीं करते हैं sunna.com पे, ठीक है? मैं आपको हदीस दिखा देता हूं ताकि किसी किस्म की शक की गुंजाइश ना रहे किसी को। ट्रांसलेट क्यों नहीं करते हैं ये लोग, ये आप लोगों को खुद पता है बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है? देखें, उन्होंने अल्लाह भी तो नहीं हटा दिया यहां से, अरे अल्लाह का नाम भी हटा दिया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ओके जी, मुझे थोड़ा सा अब ये ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कि किस जगह पे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह का नाम भी हटा दिया, ठीक है। द प्रॉफिट देन रिप्यूक्ड एंड द प्रॉफिट टिल, दूसरी हदीस तो नहीं खोल ली है तुमने? नहीं नहीं, हदीस वही है, मेरे पास है वो स्क्रीनशॉट। Person from the tribe of Quraysh and they were advised from Allah Messenger who keep no secret. I left the Kaaba and वगैरह वगैरह Nabiya wage war and we prevented you from. He said we have not come to fight you, fight anyone, but to perform the Umrah. No doubt about. Okay. I will fight with them defending my cause till I get killed. But by Allah. ट्रांसलेशन चेंज किया है, मेरा मैं
سو دیکھے کیا کہہ رہے ہیں, ہیئرنگ دیٹ ابو بکر ابیوزڈ ہم اینڈ سیڈ. اچھا یہاں پہ انہوں نے سمپل دیکھے کیا ساحل صاحب دیکھے ذرا کیا لکھ رہے ہیں, ہیئرنگ دیٹ ابو بکر ابیوزڈ ہم اینڈ سیڈ. اچھا یہ انہوں نے سارا کچھ نکال دیا. نہیں تو یہ اس کو دھوکے بازی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے, خیانت کرنا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے, کیوں ان کو شرم آئی یہ نکالنے کے لیے. اب یہاں پہ لکھا کیا ہوا ہے, گو سک دی کلٹرس آف اللات, ٹھیک ہے وہ سینٹنس یہاں پہ لکھتے ہوئے ان کو کیا تکلیف تھی, گو سک دی کلٹرس آف اللات, ٹھیک ہے کیونکہ ہے تو یہی. اب اگر ہم عربی میں دیکھ لیں تو ہم عربی میں جا کے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر ابو بکر نے یہی بولا تھا. آپ سر اپنی اسکرین اتنی دیر میں دکھا لیں, میں یہاں پہ پہنچ جاتا ہوں اس جگہ تک اتنی دیر میں. عربی میں کہاں پہ ہے یہ دیکھیں, فقال لہ ابو بکر, ٹھیک ہے. آئے ہائے 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 دیکھیں سر, دیکھیں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, ٹرانسلیٹ کرتے ہیں عربک. سر یہ کیا لکھا ہوا ہے, مجھے ہندی نہیں پڑھنی آتی. لات کے بخشیپ کو چوسو, یہ کیا ہوتا ہے. اچھا بخشیپ کلیٹرس کو ہی کہتے ہیں نا. ارے بھائی اتنی ہندی مجھے بھی نہیں آتی ہے. اردو ہم ممبئی یا چائنا بات کرتے ہیں, اس میں سب مکس ہوتا ہے. کلیٹرس, کلیٹرس کو چوسنا یعنی کہ چو کو چوتنا, کلیٹروس, ٹھیک ہے. اس کو ہم انگلش میں کر لیتے ہیں, سک دی لات کلیٹرس, ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایری گیری نتھو خیری حدیث بھی نہیں ہے. ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے یہ ابیوز کا ورڈ کیوں لے آئے جبکہ یہاں پہ ابیوز کا ورڈ لکھا ہی نہیں ہوا, جو کلیئر ورڈز لکھے ہوئے ہیں ان کو ہٹا کیوں رہے ہیں. کیا ان کو شرم آ رہی ہے کہ ابو بکر نے اتنی بےہودہ بات کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روکا نہیں ایسی بات کرنے سے, کیا یہ شرمندگی والی بات نہیں, تب ورنہ پھر ہٹانے کا مقصد کیا بنتا ہے اگر یہ شرمندگی والی بات نہیں ہے تو. نہیں شرم تو نہیں آئی ہوگی پھر, میں مان سکتا کہ شرم آئی ہوگی. سر ابھی یہ ٹرانسلیشن چینج کر رہے ہیں نا, کل کو یہ کیا چینج کریں گے بھلا میں بتاؤں, کل کو یہ چینج کریں گے, عربی ہٹا دیں گے یا یہ حدیث ہی ہٹا دیں گے suna.com سے. بھائی ابھی سب کو یاد ہو گئی ہے, ابھی اب یہ ہٹا کے بھی کچھ ہو نہیں سکتا, ہر ایک کو ہماری سین جو سنتے تھے سب کو یاد ہو گئی ہے. یادی سر یاد ہونا چاہیے, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جو ان لوگوں کے ہیں نا کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے کچھ نہیں کہتے, بھائی شروع سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, ابو بکر کے زمانے سے, تمام زمانوں سے یہ سب کچھ ہوتا آ رہا ہے اور آج ہم اس کو کمپلیٹلی ایکسپلور کریں گے. سہل صاحب آگے دیکھتے ہیں, ان کو جواب جو رضوان بھائی نے دیا تھا بہت بہترین دیا تھا, یہ جواب دیکھیے گا. شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی کے معبودوں کو برا مت کہو, ان کو گالی مت دو, کیونکہ اگر وہ تم کو پلٹا کر بولیں گے تو تمہارے خدا کی شان میں گستاخی ہوگی, تو اس لیے اسلام کی یہ تعلیم ہے نہ کسی. یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ کسی کو اس نہ کہو, لیکن بیسیکلی اس آیت میں یہ جو کہا گیا تھا تب کہا گیا تھا جب یہ لوگ اتنی طاقت میں نہیں تھے. ایڈم میں دو منٹ میں ریجوائن کر رہا ہوں. جی شور سر, جی شور. جس وقت یہ لوگ اتنی طاقت میں نہیں تھے اور ہوا کچھ یوں کہ یہ لوگ ان کے بتوں کو جب گالی نکال رہے تھے, ٹھیک ہے, تو آگے سے انہوں نے ان کے اللہ کو گالی نکالنا شروع کی, تو محمد صاحب نے کہا لو جی اب تو ہم جواب نہیں دے سکتے, ابھی تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. تو اس وقت رسپانس میں یہ آیا کہ ان کے بتوں کو کچھ نہ کہو ورنہ یہ ہمارے اللہ کو کچھ کہہ رہے ہیں. That's it. That's it. That's all what it was. لیکن آگے دیکھتے ہیں, کسی کے بت کو برا کہو نہ کسی کے بت کو توڑو, ہمارا اپنا ایمان ہے کہ ہم بت پرستی نہیں کرتے, ہم مشرکانہ حرکت نہیں کرتے, کہ ہم اسی کو مسلمان کہتے ہیں خدا واحد کی عبادت کرنا, مسلمان کا نام یہی ہے. مسلمان کا نام یہی ہے, ایمان یہی ہے, لیکن مسلمان 1400 سال سے بت توڑتے آئے ہیں. یہ دیکھیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں رسپانس. نے کہا کہ اسلام کہتا ہے دوسرے کے
बुतों को दूसरे के मंदिर में कहीं और भी उसके उसके आस्था के केंद्र में जाकर अगर आप मंदिर आप उसके मूर्तियों को तोड़ते हो, नुकसान पहुंचाते हो, उसको भला बुरा कहते हो, तो वो भी इस्लाम नहीं सिखाता। तो ऐसा करने वाला फिर मुसलमान नहीं होना चाहिए। यकीनन खिलाफ इस्लाम है। जो बुतों को तोड़े, जो किसी के मंदिर को तोड़े, जो किसी के चर्च को तोड़े, वो मुसलमान नहीं है। देखिएगा सुनिएगा मजीद। खिलाफ इरशाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, तो मैं ये तो ठीक है कहता हूँ सर कि जब यही काम मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ आकर किया, यही काम औरंगजेब ने किया, और उसके खुद की बायोग्राफी में लिखा है कि उसने मंदिर तोड़वाए, उसने बुत तोड़वाए, तो फिर वो कैसे मुसलमान था? और उस मुसलमान की कब्र पर, सो कॉल्ड मुसलमान, क्योंकि आपकी परिभाषा से वो मुसलमान नहीं रहा, उस मुसलमान की कब्र पर कोई क्यों फूल चढ़ाने जाए? देखिए सुशांत, बड़ी ही क्लियर बात है, आप हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, आप मुझे हिस्ट्री पर भरोसा नहीं है। यार यार ये गालिब, ये कमाल जवाब था यार, ये कमाल जवाब था कि ये हिस्ट्री की बात है, मुझे हिस्ट्री पे भरोसा नहीं है। तो मोहम्मद साहब की जितनी भी बातें और सारा कुछ है वो हिस्ट्री से नहीं आई। कुरान के अंदर तो मोहम्मद साहब के वालिद का नाम भी नहीं है, वालिदा का नाम भी नहीं है। यानी ये एवरी हिस्ट्री डिफाइन करती है आपके फ्यूचर को। या तो आप हिस्ट्री को लेके उसको गलत कह के आगे चल पड़ते हो और कहते हो कि वो गलत है और अब मैं अपने व्यवहार को, अपनी चीजों को बदलूंगा, या आप हिस्ट्री को कहते हो कि वो उसमें जो हुआ बिल्कुल सही हुआ और मैं भी ऐसा करूंगा। भाई ऐसा सब कुछ होता आया है और आज मैं साबित करूंगा कि मोहम्मद साहब और उनके प्यारे प्यारे जलील उल कदर सहाबी ये सब कुछ करते आए हैं, ये सब कुछ उनके सहाबी करते आए हैं। गालिब साहब तभी तो सिलसिला चलता आ रहा है। बेशक बेशक। अच्छा यहाँ पे एक टीवी चैनल के ऊपर डिबेट के अंदर सबको काफिर कहना कितना आसान है। क्यों? मैं काफिरों से बात कर रहा था, कोई मसला नहीं है, सब मसला क्यों? इस्लाम में अदबुल दिजाल और हयाल से काम लेना डिबेट में जायज है। मैंने मल्टीपल टाइम इसके ऊपर प्रचार किया और शो करवाया, कोई मुल्ला इसको इग्नोर नहीं कर सकता, कह नहीं सकता कि गलत बात कह रहा हूं। ये है इन लोगों का दीन ईमान। ये देखिए आगे थोड़ा सा, आप लोग मुगल शासकों पर आरोप लगाते गए सिर्फ मुसलमानों को ठेस पहुंचाने के लिए, हम ये हर आरोप स्वीकार तो नहीं करेंगे। नहीं पर हाँ, ये आरोप है, हमने हिस्ट्री को माना ही नहीं, हम मानते ही नहीं कि हिस्ट्री में सब कुछ हुआ था। दिस इज हाउ दे डिसीव। कादरी भाई, मुगलों पर जो उनकी खुद की लिखी हुई हिस्ट्री में है वो आरोप लगते हैं, तो इससे हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या लेना देना, मैं नहीं समझ पाता। आपका मुगलों से कनेक्शन है या हिंदुस्तान से कनेक्शन है? आप आज की तारीख में हिंदुस्तान के मुसलमान हैं या मुगलों के वंशज हैं? सुनिए सुनिए, मुगलों के वंशज तो खत्म हो गए, पूरे खत्म हो गए, खत्म हो गए, खत्म हो गए। आपकी परिभाषा आगे सर, वो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मतलब जिसने बायोग्राफी लिख रही है औरंगजेब, वो भी गलत है, सारी बायोग्राफी गलत है। हालांकि ये चीज जहन में रखिए कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द फाते, हिस्ट्री लिखी जाती है फाते, फाते लिखता है हिस्ट्री, ठीक है। उस जमाने में हिस्ट्री लिखने वाले हिस्टोरियन सेपरेट नहीं होते थे, जो बादशाह होता था, जो फतह करता था, जो जीतता था, वो हिस्ट्री लिखवाता था, हिस्टोरियंस उसके होते थे। अब उसने हिस्ट्री लिखाई है, उसको तुम कैसे गलत कह सकते हो? क्योंकि कंकरर भी वही है और इस वक्त फाते भी वही है, हिस्ट्री भी वो लिखवा रहा है। वो लिख रहा है कि मैंने बुत तोड़े, वो लिख रहा है कि मैंने मंदिर तोड़े। हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान में कि बुत और मंदिर तोड़े। सोमनाथ का मंदिर किसे तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। आज बोलेंगे मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। भाई किताबों में बचपन से पढ़ाया जा रहा है, बचपन से। जो आज शर्म की बात है ना, आगे चल के अगर तादाद बढ़ती है तो ये सारी बातें फखर की हो जाएंगी और हिस्ट्री पक्की भी मुहर लग जाएगी, ये सच है और ऐसा होना Absolutely. भी चाहिए। That's how it works. ये ही तो deception है। अब रिजवान भाई ने यहाँ पे बड़ा अच्छा पॉइंट रखा था, रिजवान भाई का पॉइंट सुनते हैं। ये तो जो अभी साहिल भाई ने बोला
इसमें कोई दोराहे नहीं है। अब आप चाहे जितनी भी डायलॉग बाजी कर लें कि वो आदमी मुसलमान नहीं होता, हम उसे मुसलमान नहीं मानते, ये तो बड़ा आसान तरीका है हम लोगों के पास। किसी को भी डिबेट में बैठ के बोल दिया हम उसे मुसलमान नहीं मानते। मुसलमान तो यजीद को भी मुसलमान नहीं मानते, जबकि इतिहास गवाह है वो मुसलमान था। ठीक, अब आप तुर्की की सोफिया मस्जिद को ले लीजिए। हाय 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 हाय, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो चर्च था, दुनिया जानती है वो चर्च था, उसको जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया। अता तुर्क ने आके उसको म्यूजियम बना दिया क्योंकि वो मॉडरेट आदमी था। अभी 5 साल पहले फिर से उसको मस्जिद बना दिया गया। अफगानिस्तान में बहमिनिया मूर्तियों का उदाहरण ले लीजिए, और दूर ना जाइए अपने कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए। तो 1400 साल में ऐसे बहुत से वाकये मिलते हैं जहां पे मुसलमानों ने दूसरे मजहब की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें कोई आर्गुमेंट का स्कोप नहीं है कि वो हमारा, इन्होंने कहा हमारा कनेक्शन है मुगलों से, हमारी रिश्तेदारी है। तो भाई अगर रिश्तेदारी है तो उनकी अच्छाई भी तुम्हारी और उनकी बुराई भी तुम्हारी, पहले आला तो लगा लो। ये है जनाब, ये है। अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब देना चाहिए था किसी एहसन तरीके से, लेकिन जवाब क्या है आप जवाब सुनिए। स्वीकार करनी पड़ेगी ना, क्या रिश्तेदारी बताएं पहले मालूम करो। तुम्हारी रिश्तेदारी तो कहीं और से मालूम होती है। कौन जाहिल बोला अपना, ये कौन बोला भाई अपना थोड़ा, ये भाई सुशांत भाई कर लो, ये कौन जाहिल आ रहे हो, ये कौन किसी को जाए। यार मुझे इस वजह से जो है ना ये रिजवान बहुत पसंद है, ये मेरे तरीके से आता है। जब अपना पॉइंट रखता है ना आगे से, जब मौकरी आती ना ये मेरी तरह आता है ठा। आ भाई क्यों साहिल साहब, ये मुझे इस वजह से रिजवान भाई पसंद आए यार, इसीलिए तो खुश हुआ। मैं कहता सर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ इनकी बात से। पहले ये रेफरेंस रखेंगे, आगे से जब टैटे आती है ना तो ये धड़ल्ले से ढा मारते हैं यार। लेकिन आपका डायलॉग जो था ना मौलाना, बीपी हाई हो जाएगा यार, वो डायलॉग तो कमाल है यार। अरे मुझे डर लग रहा था कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए मौलाना को। यार करने दे रहा था थोड़ा सा और आ जाने दे रहा था, आ जाए यार। उनका एक्सप्रेशन देखना जरा, इधर चला ना, उनका जो एक्सप्रेशन था ना बोलने के टाइम और थोड़ी देर वो जो पानी भी नहीं पीने लगे, जरा देखना। मतलब मेरे को दुख भी हो रहा था कि भाई कुछ हो ना जाए मौलाना, वो हमारे लिए कीमती है ये। बाय द वे बाय द वे कांग्रेचुलेशन, 2700 लोग देख रहे। अरे 20, ओ वाओ सर, ये पहली दफा इतना हिट हुआ है। आपको तो दुख था साहिल भाई, मुझे तो टेंशन थी कहीं आप सब बंद ना हो जाओ मुलाना के मर्डर केस में। पता चला वो मर गए, तुम सब बंद, एंकर वंकर सब अब अंदर ही हो रही है डिबेट। सर ऐसा ही है सर, मैं कहता हूँ सर कमाल है, और आज 2700 लोग देख रहे हैं, ये मेरे चैनल का एक नया इतिहास लिखा गया है। सो थैंक यू तमाम दर्शकों से। थोड़ा सा आगे देखते हैं और फिर हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिखाएंगे आप लोगों को। जी कोई किसी को, कादरी साहब थोड़ा सा रुक जाइए, रिजवान भाई अपनी बात कहें फिर आप जाइए। को मिर्चा लगी, कौन बोला को मिर्चा लगी? तू मुर्तद बदमाश किस्म का इंसान है, तू मुर्तद है मुर्तद। इनके साथ बैठ के आपको ऐसा ही लग रहा था कि आप मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। हाँ लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पे, तेरे तो नेक्स्ट लेवल पे नहीं गया था भाई, तो मौलाना का तो सच्ची का हार्ट अटैक आ जाना था। यार लेकिन ये बंदा मुझे पसंद आया यार, ये बिल्कुल रोकता नहीं है बंदा, बिल्कुल मेरी तरह हंसा भी वैसे ही है, हंसी आई है जब उसे मिर्चा लगी है ना सही तरीके से मौलवी को। तू चमचा है, तू मुर्तद है, तू कादियानियों का चमचा है यार, ग्रेट बंदा है यार ये। ओ मैन क्या ज्यादा सच बोल दिया पर इस्लाम के खिलाफ, क्या ज्यादा सच बोल दिया, क्या ज्यादा सच बोल दिया, खादियानी खादियानी क्या ज्यादा सच बोल दिया है ये भाई। ए भाई ये किसको मिर्चा लगी भाई? ए भाई ये कौन है भाई?
ईमान वाला है बेईमान के सामने. वो लोग मुझे कहते तुझे गुस्सा चढ़ता है, मुझे गुस्सा नहीं चढ़ता यार, मैं तो अफसर होता हूँ इसी तरीके से यार. क्या बकवास बोल रहे हैं यार. ओ मैन सर, असल बात जो है ना, असल बात पे आते हैं थोड़ा सा आगे. अब जो है ना गेम, अब हम लाने लगे हैं इन तमाम अहदीस के ऊपर गेम, जो अहदीस आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाई. देखिए मैं, देखिए बिल्कुल मैं बदतमीजी नहीं ना कर रहा सर, साहिल साहब इज्जत और एहतराम से. हाँ, दरूद पाक तो, पढ़ रहा मैंने तो वहां वो भी कहा कि मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान जाए. लाहौला वाला कुआ था. नहीं सर, मेरे माँ बाप बिल्कुल उन पे कुर्बान ना जाए, अस्तगफिरुल्लाह, जिंदा रहे मेरे माँ बाप. मैं तो सोच रहा था वजू बना के गए मुझे लगा वजू बना के स्टूडियो में गए हैं. अब जनाब असल गेम पे आते हैं और इसके बाद दिखाएंगे सब दर्शकों को. ओपन स्ट्रीम कर देंगे मोमिनों के लिए और हम रेफरेंसेस दिखाना शुरू करेंगे. ये आखिरी देखिएगा, इसके बाद गेम शुरू होती है. मैं एक बात पूछूं, मूर्तियां नहीं तोड़ी गई क्या कश्मीर में? मंदिर नहीं तोड़े गए क्या? सोफिया, क्या सोफिया मस्जिद मस्जिद है? कैसा मुसलमान जो बातें कही है उस पर थोड़ा सा काउंटर करना चाहूंगा. सबसे पहली बात तो इन्होंने ये माना कि हाँ कुरान में ऐसा लिखा है या हजरत इब्राहिम ने ऐसा किया, और इन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो मूर्ति पूजा को या आइडल वर्शिप को गलत समझते, तो इससे प्रॉब्लम नहीं है. आपकी बिलीफ के हिसाब से आप आइडल वर्शिप को गलत समझते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आप किसी की जो प्लेस ऑफ वर्शिप है जहाँ पे बुत रखे हुए हैं उसको जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे है. एब्सोल्युटली साहिल साहब, बिल्कुल बेहतरीन बात की. I love this answer. जी यही हकीकत है ना, यही हकीकत है ना भाई. तुम कोई चीज को गलत मानते हो, that is absolutely fine. मतलब तुम्हारी बिलीफ के हिसाब से वो चीज गलत है, it's okay. Problem ये आता है कि तुम खुद गलत मानो यार, तुम जाके उसको तोड़ मत दो. Exactly. And अगर ये वाली harmony हो हमेशा इस्लाम के अंदर, तो आज हम इस टाइप की वीडियोस ना बना रहे हो. अगर ये वाली harmony हो तो ये मौलवी साहब का बीपी हाई ना हो, हरगिज ना हो. इनका बीपी हाई क्यों हुआ? क्योंकि इनको पता था कि अगले सेंटेंस में आपने हदीस रखने की कोशिश की. ये देखिए, आप उसको गलत मानिए कोई मुश्किल नहीं, डिस्ट्रॉय करना ये गलत है. और हजरत इब्राहिम ने बाकायदा आइडल्स को डिस्ट्रॉय किया. इसके अलावा जो हजरत मोहम्मद साहब है, इन्होंने भी एक मक्कतुल यमीनिया करके एक वर्शिप प्लेस था जिसको मक्कतुल काबा या उसका मैं आपको रिफरेंस अभी दे देता हूं. अब देखिए ये सही बुखारी की हदीस नंबर 3823 है. ये देखिए, ये मैंने इसीलिए हदीस सामने लगा दी थी जो आप बयान कर रहे थे कि एक मंदिर नुमा चीज. अच्छा इसमें एडम, इसमें मैं सिर्फ एक क्लियर कर दूं कि मक्कतुल यमीनिया नहीं, काबतुल यमीनिया उसका नाम था, और जिसको दुल खलसा भी बोलते थे. वहां मेरे से वो नाम एकदम अचानक से मेरे ज़हन में नहीं आया, तो मैंने मक्कतुल यमीनिया कह दिया था, वो काबतुल यमीनिया है. Exactly, but doesn't matter. You were actually right on spot, and उस मौलवी को पता लग गया था आप क्या बता रहे हैं, ठीक है ना? और इसी वजह से उसका बीपी हाई हुआ था. मैंने इसीलिए अपनी इस एडिटेड वीडियो के अंदर आपकी वाली हदीस जो आपने बोली थी वो मैंने रख दी, क्योंकि आप देखें कि ये सही बुखारी की हदीस है और ये कहती है कि एक घर था जिसका नाम था दुल खलासा. दुल खलासा था ये उनको पता लग गया था. बिल्कुल आवाज में गिटार बज रहा है यार, मेरे आवाज में गिटार लाइव में भी बज रहा है या सिर्फ साहिल साहब को बज रहा है? नहीं नहीं आ रहा है, ठीक आ रही आवाज अभी, ठीक है, रिपीट करो एक मिनट पहले रिपीट करो. जी सर, सर मैं कह रहा हूं कि आपने जब काबा अल यमीनिया का नाम बोला था ना, तो उसी वक्त
مولوی صاحب کو پتا لگ گیا تھا کہ آپ کہاں جانے لگے, وہ چیخنا اسی وجہ سے شروع ہوئے تھے کیونکہ انہیں ایگزیکٹلی پتا لگ گیا تھا آپ کہاں جانا جا رہے ہیں, کیونکہ پری اسلامک پیریڈ کا ایک کعبہ تھا جس میں بت تھے. اس بت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ مسنجر سیٹ ٹو می, ول یو ریلیو می فرام دلخلاصہ, کیا تم مجھے دلخلاصہ سے آزادی یا چھٹکارا دلواؤ گے؟ سو آئی لیفٹ فار اٹ ود 150 کیولری مین, تو میں 150 گھڑ سوار لے کے گیا, میں نے ٹرائب آف احمس کے اوپر حملہ کیا, ان لوگوں کو قتل و قتل قتال کیا, کل کیا, جو جو وہاں پہ مجھے ملا اس کا قتل کیا, اور محمد صاحب کے کہنے کے اوپر اس پورے بت خانے کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کیا. یہ حدیث آپ نے رکھی تھی. اب اس حدیث کو وہ آپ کو کیوں بولنے دیتے ساحل صاحب؟ کیونکہ آپ کا پوائنٹ سچا ہو جاتا, کیسے بولنے دے سکتے؟ بالکل صحیح بات ہے کہ نہیں, میرے کو تو ڈاؤٹ آ رہا ہے کہ وہ مولانا کو یہ حدیث پتا ہوگی بھی کیا نہیں پتا ہوگی. میرے کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ایسی حدیثیں بھی ہے, وہ صرف قرآن کا واقعہ پتا ہوگا ان کو. اگر اسے پتا نہ ہوتا نا تو وہ آپ کو بولنے دیتا, ٹھیک ہے؟ اس کو پتا تھا تبھی تو چیخنا شروع کیا دونوں نے. آپ دیکھیں اس میں ہوا کیا, آپ خود ہی نظر لگ لیں, ویورز بھی خود ہی نظر لگا لیں گے کہ ان کو اس کا پتا تھا تبھی انہوں نے آپ کی آواز بند کرائی. چیک دس آؤٹ, آواز بند ہوئی. اس میں دیکھا آپ کیا بتانا شروع, ساحل صاحب دیکھیں جب اگلا بندہ اس طریقے سے بولنا شروع کر دے اور آپ کو ریفرنس کوٹ نہ کرنے دے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہی نوز کہ وہ فنیتو ہو گیا, ختم ہو گیا, اس کے پاس کا آنسر نہیں ہے, مر جائے گا, ہار جائے گا, اور آپ کو بولنے نہیں دے رہا. دیکھتے ہیں پنوں میں درج ہے کہ بھائی اس طریقے سے توڑے گئے, اس طریقے سے مورتیاں اور مندر توڑے گئے, وہ یہی بتا رہے ہیں. سن لیجئے ان کا, آپ جس اورنگزیب کو پھول چڑھا کر آتے ہیں وہ اورنگزیب اسلام کو فالو نہیں کرتا تھا, ابھی قادری صاحب نے بتا دیا. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں, ذرا ان کا بی پی ہائی دیکھتے ہیں. یہ بیوقوفی بھری بات کیسے ہے, بات رکھ لوں اس کے بعد. وہ اپنی بات جو کہہ رہے ہیں وہی بات وہ کہہ رہے ہیں قادری صاحب, تھوڑا کی ہسٹری کیسے کر, وہ اسلام میں نہیں ہے. سننا چاہیے, آپ ریفرنسز لیجئے, اس کے بعد اگر کچھ غلط ہے تو اس کو کاؤنٹر کریے. تھوڑا رک جائیے قادری صاحب, حدیثوں کا حوالہ دے قادری صاحب, وہ اگر غلط کہہ رہے ہیں آپ بھی تو بیٹھے ہیں, آپ کاؤنٹر کیجئے. انہوں نے جو پچھلا کہا آپ نے خود کہا کہ یہ ہے, کاؤنٹر کیجئے اپنے وقت میں. قطعی نہیں, بولنے ہی دوں گا. یہ مرتد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسلام کے بارے میں بات کرے. اور یہ چیز پتا کہاں لکھی ہے, یہ چیز شرح میں لکھی ہے. اب یہ شرح بول رہے ہیں, ہاں یہ شرح میں دیکھیں, اب یہ شرح کی باتیں کر رہے ہیں. جوک بھی کر دے تم, سوری پلیز بتائیے. ایڈم جوک بھی کر دے, میں بول رہا ہوں یہ بی پی مولانا کا بڑھے گا ایسا شرح میں لکھا ہے کیا؟ سر شرح میں جو لکھا ہے وہ کر نہیں سکتے. ویسے قسمت اچھی تھی ساحل بھائی کی کہ اس بار اسٹوڈیو پہ آمنے سامنے نہیں تھے. جو شرح میں لکھا ہے وہ کر نہیں سکتے تھے. اگر وہ آمنے سامنے ہوتے اور وہ شرح کو پراپرلی امپلیمنٹ کرتے تو ان کا اصل کام یہ ہوتا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اور آپ کا نیست و نابود اسی وقت کر دیتے. یہ شرح میں لکھا نہیں, جتنے غصے میں تھے دکھ رہے تھے وہ, یا تو خود وہیں گر پڑتے یا تو ساحل بھائی گرا دیتے. سر شرح میں تو یہی لکھا نا, جس شرح کا جو سینٹنس بول رہے ہیں کہ مرتد ہے, مرتد کو کوئی حق نہیں اسلام کے بارے میں بات کرے, اسی شرح میں اگلے سینٹنس میں لکھا مرتد کو قتل کر دو کیونکہ وہ زمین کے اوپر فساد کر رہا ہے. اور یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے, قرآن چیپٹر میں 5 ورس نمبر 33, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ زمین کے اوپر فساد پیدا کر رہا ہے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے. قتل کرو, بائے بائے ٹاٹا. مفتی بمدرد نے تو بھی تو یہی کوشش کی ہے,
लेकिन उसकी कोशिश रिवर्स हो गई। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अरे क्यों? मैं कह रहा हूं आपसे, क्यों ये मुर्ता जाए, ये मुर्ता जाए, इसको कोई हक नहीं पहुंचता कहने इस्लाम के बारे में बात करें। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ बैठकर शिवलिंग के सबूत मांगने के लिए आप लोगों का हक है और वो व्यक्ति उस पर नहीं बोल सकता? अरे भाई गलत बोल रहे तो आप काट दीजिए। इसमें इस्लाम के खिलाफ क्या है सर? बढ़ जाएगा मौलाना, मौलाना बीपी बढ़ जाएगा। अरे ये एकदम कतली वन लाइनर था और इस पे तो पक्का कतल हो जाता। अबे चुप कर, अबे चुप कर। आगे आगे का सुनाओ, आगे का सुनाओ, आगे का सुनाते हैं। पत्ता भी बात बात कर, जाहिल इस्लाम के बारे में बात कर रहा, क्या बात करना चाह रहा तू? अच्छा यहाँ पे अपनी शक्ल देख यार, हंस रहा तू भी। अच्छा एडम, अच्छा मैं एक चीज बोल दूं, अगर आप साइकोलॉजी को थोड़ा भी समझते हो या इंसान के बिहेवियर को समझ सकते हो, ये बंदा जो है ना ये बना नहीं रहा, ये आई मीन इट्स द इंटेंस ट्रू फीलिंग दैट इज एक्सप्रेसिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली exactly. हाँ, एकदम ट्रू फीलिंग है उसके अंदर की, कोई बनावट नहीं है उसमें, कोई झूठ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, क्योंकि वो फट चुका है अब इस वक्त। ही इज द एंड। हाँ आपको याद होगा एक दफा एक खातून आई थी हमारे चैनल पे जिनके साथ डिस्कशन हो रही थी और उसने कहा था कि वो अपनी 6 साल बच्ची को भी शादी करवा देगी। हाँ। और 9 साल बच्ची को सेक्स करवा देगी। दैट वॉज द टाइम जिस वक्त मैं फट गया था। हाँ। मैं इसी तरह चीखना शुरू हुआ था और मैं इतना हाइपर हो गया था और मेरा ब्लड प्रेशर इतना चढ़ गया था और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी और मैंने चीखना शुरू कर दिया था और मैंने उसको पता नहीं किस तरीके से रोका कि मैं उसे 2-4 गंदी गालियां ना निकाल देता। मैंने अपने आपको बहुत मुश्किल से रोका था, लेकिन सर मेरी हालत खराब हो चुकी थी उस वक्त। आपने मुझे कहा रुको, सबने कहा रुको, लेकिन सर मैं यानी वो एक एक लेवल आता है जहां पे आप मेंटली यानी डिफरेंट जगह पे निकल जाते हैं एंड देन यू कैन नॉट कंट्रोल योरसेल्फ। आप अपने आप को रोक नहीं सकते कि वो औरत इंडिया में रहते हुए कह रही थी कि हाँ ऐसा लिखा है, मैं अपनी बेटी को इंडिया की नहीं थी, पाकिस्तान की थी, किधर वेस्ट में रह रही थी, वेस्ट में रह रही थी। और सर मेरा उस वक्त जो है ना दिमाग फट गया था और मैंने कहा, मैंने उस वक्त मैंने बोला था, मैंने कहा कि ऐसी औरत को कभी कोई बेटी हो ही ना कि वो इसके साथ ऐसा जुल्म ना कर दे कहीं। और ये वो वाली फीलिंग इस मौलवी के साथ। हाँ कंजोलीमान, कंजोलीमान, ओह माय गॉडनेस, क्रेजी क्रेजी। सो ये है सरकार, आगे देखते हैं थोड़ा सा और फिर हम रेफरेंसेस पे जाएंगे और हमारे प्यारे मुसलमान भाइयों को बुलाएंगे। हदीसों में, हदीस में मैं नहीं बता रहा आपको, हदीसों पे एतराज कर रहे हैं। सरकारें बदिया पे आया गलत बात हो जाएगी, याद रख, समझा? तेरा इस्लाम से ताल्लुक क्या रे? इस्लाम से ताल्लुक क्या रे? ओह माय गॉडनेस। सो अगर इस्लाम से आगे भी, आगे भी, हाँ आगे भी मैं वो बता रहा हूँ। अरे चुप, मुर्ता जा तू, चुप, बात कर रहा हूँ। सरकार मदीरा पे आया तो बात खराब हो जाएगी। अच्छा मैं बात कंप्लीट कर दूं अपनी। चुप, कुछ नहीं बोल सकता तू। क्यों नहीं बोल सकता सर? वो अगर वो गलत बोलेंगे आप उसको काउंटर कर देंगे कि गलत बता रहे हैं आप से। अच्छा एडम, इसमें और एक बड़ी बात देखना, ये जब मौलाना फट गए थे तब से ये जो एंकर है सुशांत सिन्हा जी, उनका एक्सप्रेशन देखना, वो खुद भी घबरा गए थे कि वो क्या रहा है। देखो जरा उसको, थोड़ा प्ले करो, थोड़ा प्ले करो, दोबारा प्ले करूं या पीछे करूं? थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पीछे। वो एंकर तो सर वो हैरान और परेशान, और थोड़ा वो भयंकर सूरत में बैठा हुआ, वो देखो उसकी आंखें देखो यार, वो बेचारा देख रहे हो क्या रहा है।
क्यों नहीं बोल सकता सर वो? अगर वो गलत बोलेंगे आप उसको काउंटर कर लेंगे कि गलत बता रहे हैं आप सही प्रचार के लिए। बंदा इतना प्यार से बोलता क्यों नहीं बोलता तो बोलते तो सर वो मैं वो तब बता रहा कि जगह साहिल भाई को छोड़ के इसी भाई देर लग जाता कि तू तो बोली बता आगे बोला है आगे बोला है बोले तू भी सबसे बड़े पिता या तू भी सबसे बड़े शैतान है वो चला ना वो चलाते जरा एक मिनट कादरी साहब थोड़ा शांत होइए पहले आप थोड़ा शांत होइए आप पहले थोड़ा शांत होइए आप पहले थोड़ा शांत होइए अब आप वहां बैठ के डिबेट बंद करा दीजिए मुझे ये बताइए अली कादरी मुझे थोड़ा शांत हो जाइए शांत हो जाइए आप जो कर रहे हैं इससे और गलत इंप्रेशन जा रहा है आप शांत होइए आप शांत हो जाइए आप शांत हो जाइए आप शांत हो जाइए मुझे ये बताइए इस्लाम के खिलाफ साजिश है मुझे ये बताइए सुनिए ना हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारा को देख रहा बहुत अच्छा लगता है उनकी जो स्टाइल होती है ना पर्सनली आई लाइक दैट इसके लिए जो हैदराबादी मूवीज होती है ना तुमको मतलब तुमको देखना मतलब हिंदुस्तान का मुसलमान तुमको देख लेगा वो फुल फ्लेज धमकी है ये तो यानी 100% फुल फ्लेज धमकी है अबे भैंस माशाल्लाह सर लाइव चैनल पे धमकी साहिल साहब आपको हिंदुस्तान का मुसलमान देख लेगा हिंदुस्तान का मुसलमान मैं क्या देख लेगा आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लाम जो है ये सिखाता है क्या आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं कि देख लेंगे गलत प्रचार नहीं गलत प्रचार के लिए अगर गलत प्रचार करना होता तो आपको नहीं बुलाते आप उसको काउंटर कर रहे हैं नहीं होगा मुझे ये बताइए ऐसे लोगों को इस्लाम पर बोलने का कोई हक नहीं है इस्लामिक स्कॉलर बोल सकता है इस्लाम पर एक मिनट सर इस्लामिक स्कॉलर बोल सकता है लेकिन कोई उसे रिफ्यूट नहीं कर सकता अच्छा ये खुद इस्लामिक स्कॉलर है ऊपर लिखो देखो ना हाँ लेकिन वो कोई काउंटर नहीं कर सकता सिर्फ इस्लामिक स्कॉलर बोलेगा वो सच बोले झूठ बोले जो भी बोले उसके ऊपर कोई उसे कह नहीं कुछ सकता ये क्या बात हुई राइट बिल्कुल एक मिनट आप शांत होंगे तो मैं अपनी बात कहूं ये जनाब उसके एंड में मैंने हदीस रख दी थी कि मुख्तलिफ जगह से नरेटेड है कि जो अपना दीन छोड़ दे जो मुर्तिद हो जाए उसको कत्ल कर दो